अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूडिंग ब्लॉगिंग। तो जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज हलवा, सूजी का हलवा, और वो भी शक्कर के साथ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं देसी तरीके से बना। तो यहाँ पे सूजी जो है मैंने ले ली है और इसको अच्छे से छान लिया है। ये तकरीबन एक कप सूजी है। तो चलिए पहले हम सूजी को, यहाँ पे मैंने एक मिट्टी की हंडिया ले ली है और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, आप देख सकते हैं। और अब इस ऑयल को मैं कर लेती हूँ गरम, और जैसे ही ये ऑयल गरम होने शुरू होगा तो फिर इसमें मैं ऐड करूँगी। यहाँ पे ऑयल जो है वो गरम होने शुरू हो गया है और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सूजी, और इसको डालने के बाद अच्छे से भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ, तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसको मैं इसी तरह अच्छी तरह से भूनती जाऊँगी, और जब तक भूनूँगी जब तक इसकी खुशबू आने लगेगी और ये थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। इसको मैं मिट्टी की हंडिया में बना रही हूँ, इसलिए ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा इसका। अदरवाइज़ जो दूसरी नॉन स्टिक का पैन होता है या फिर स्टील का होता है तो उसमें जो है वो थोड़ा जल्दी भी बन जाता है। तो मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ और फिर 8 से 10 मिनट के बाद आपको दिखाओ। तो यहाँ पे माशाल्लाह से तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं और इसको मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है। अब तो इसका कलर जो है वो भी तकरीबन चेंज हो गया है, और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पानी, और पानी ऐड करने के बाद इसमें पानी, यहाँ पे मैंने 3 प्याली डाला है, 3 कप पानी डाला है। 1 कप ये थी सूजी, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 3 कप पानी डाला है। पानी को डाल के मैं अब यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि सूजी की जो है वो गुठलियाँ ना बनी रह जाएं, और ये अब अच्छे से हो गया है मिक्स। इसको इसी तरह 2 मिनट तक मैं अच्छे से हिलाती जाऊंगी, और हिलाने के बाद फिर इसमें मैं ऐड कर लूंगी शुगर। तो यहाँ पे जनाब आ गई है हमारी शक्कर, ब्राउन शुगर। आप यहाँ पे वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं और ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं और शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शक्कर यूज़ कर रही हूँ, और अब इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये जो मैंने शुगर यहाँ पे डाली थी वो मैंने हसबे ज़रूरत डाली थी, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 अदद अंडे, और इनको अच्छे से मैंने फेंट लिया है, और अब मैं इसको मिक्स करूँगी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छे से मिक्स करके और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि ये अंडे पूरे हलवे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए।
और अब मैं इसको अच्छे से इसी तरह हलाती जाऊंगी और पकाती जाऊंगी जब तक ये गाढ़ा नहीं होने लग जाता। मैं इसको मुसलसल चलाती रहूंगी ताकि ये नीचे ना लगे और इसमें गुठलियाँ ना बने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हलवा जो है सूजी का वो ठीक होना शुरू हो गया है और इसको अब मैं कवर कर देती हूँ तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए ताकि इसको अच्छा से जो है वो दम आ जाए। अब इसकी जो आंच है वो मैंने कर दी है स्लो, दम की आंच पे इसको रख दिया है और अब इसको अच्छा सा जब दम आ जाएगा तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फिर इसका ढक्कन उठा के हम देखेंगे और फिर हम इसको तो यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं और अब हम इसको इसके लिड को उठा के देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इतना प्यारा जो है इसका कलर है, येलो कलर का जो हलवा है वो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। इसमें इस हलवे में येलो कलर जो है वो इसका शक्कर का आया है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, डिश आउट करते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो सूजी का हलवा है वो बिल्कुल रेडी हो गया है और इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ थोड़े से बादाम और ये कुछ मैंने बादाम जो हैं उनको क्रश कर लिया था रफली। अब इसको भी हम लगा देते हैं, गार्निशिंग कर लेते हैं इसकी। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये छोटी सी रेसिपी पसंद आई होगी जो कि बहुत मज़े की और देसी तरीके से मैंने बनाई है और आप इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे, आप इसको ज़रूर बनाएंगे। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। भूल गया।